राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की ओर से आलोट में आयोजित सम्मेलन में नीमच जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया और पत्रकारिता करते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक बार भारत माता का जयकारा जोर से लगाए। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसलिए मैंने कहा था कि भारत माता का जयकारा तो आपने लगाया नहीं, पर जिस पे विवाद हो रहा है उस पे हम जरूर बोले, क्योंकि यही वंदे मातरम ने हमें आजादी दिलाई थी। और यहाँ पर मंच पर सभी वरिष्ठ बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आज हमारा कार्यक्रम था और आज ही उनका जन्मदिवस था, साथ ही हमारे यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जंगलवादी, उनके पोते का भी जन्मदिन है, इसलिए पोते का केक लाए थे और विधायक जी कारणवश यहाँ उपस्थित हो गए थे, इसी दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ हमने एक अकोजन जैसे ही उनका जन्मदिन मना लिया। जैसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन यहाँ पत्रकारों के हित में ही बात की गई और पत्रकारों का हित चिंतन ही किया गया और विधायक जी ने भी, पूर्व विधायक जी ने भी यही बात सबके सामने रखी। में प्रत्येक जिले में हम विस्तार कार्यक्रम चला और इसी संदर्भ में आज इस आलोक सम्मेलन की बैठक में यह तय किया गया कि नीमच जिला अध्यक्ष के रूप में श्री गुप्ता जी को मनोनीत किया गया और हमने वह सर स्वीकार किया और इनके मनोयन की प्रशंसा हमारे भाई श्री नीमच जी जैन ने की, जो कि आम सदस्यों ने हमने स्वीकार किया। अब गुप्ता जी का यह दायित्व दिया गया है कि पूरे नीमच जिले में सदस्यता अभियान चलाए और उन्हें एक जिला संयोजक नियुक्त करना है और सभी जितने भी ब्लॉक है सभी ब्लॉक संयोजक नियुक्त करना है, ताकि इनके हाथ दो नहीं हजार हाथ। न्यूज़ मीडिया टुडे के लिए अब्दुल अजीम।